नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 632nd एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। नागपुर के हर घर का घी, घर का पनीर, घर का दूध है गौ वरदान, जो नागपुर के घर में पौष्टिकता पहुंचा रहा है। अगर आपने अभी तक उसका मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो कृपया ले लें। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत दुर्गा वेल्थ मैनेजर। अ बिग थैंक यू टू जेमिनी आउटडोर्स, आलीशान उत्तर दक्षिण, द बेस्ट साउथ इंडियन फूड इन नागपुर सिटी, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। मेरे आज के मेहमान वो हैं जो नागपुर शहर के लिए काफी 38 वर्षों से लड़ते आए हैं। स्टूडेंट्स के अधिकारों की बात करें, लोगों के अधिकारों की बात करें, नागपुर शहर के अधिकारों की बात करें, और जब भी इन अधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के बीच अगर कोई आ जाता है तो उसको हटाने का काम या उसके विरुद्ध आंदोलन करने का काम जिस व्यक्ति ने इतने वर्षों से किया है, आज उन्हें हम अपने शो के थ्रू जानने की थोड़ी सी और ज्यादा कोशिश करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इन आंदोलनों के पीछे की सोच क्या होती है, और साथ ही साथ वो क्यों हर बार मीडिया पे बरसते हैं। मेरे साथ इस वक्त है आदरणीय श्री जम्मू आनंद सर। जम्मू आनंद सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। आप नागपुर महानगर पालिका के कामगार यूनियन के लीडर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। जम्मू आनंद सर की जो शुरुआत हुई आंदोलन करने की, नागपुर के लोगों के राइट्स के लिए लड़ने की, ये कहाँ से शुरू होती है? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल बड़ा, इसका उत्तर लंबा है क्योंकि सफ़र भी बहुत लंबा है, क्योंकि छात्र जीवन से ही हम इस आंदोलन के मैदान में कूदे हुए हैं और वो मैदान अभी तक हमने छोड़ा नहीं और छोड़ने की संभावना भी नहीं है। छात्र आंदोलन, छात्रों के हक की लड़ाई, उसके बाद कई और सवालों पे लड़ते रहे, झोपड़पट्टी वासियों के हक की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हॉकर्स की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, तो संघर्ष जो है वो हमारा एक प्रकार से स्थायी भाव है। मुझे जम्मू सर, एक बात जो मैं फिल्मों में देखता था, और हाँ, जब फिल्मों में ये चीज़ें दिखती थी कि यूनियन लीडर होता है, और एक यूनियन लीडर किस तरह से एक पूरी की पूरी यूनियन को इकट्ठा करता है और उनके राइट्स के लिए लड़ता है, कई बार उस पर और उसके परिवार पर, यूनियन लीडर के खुद पर या परिवार पर भी एक अलग किस्म का प्रेशर रहता है। यूनियन लीडर पे अपने पूरे अपने लोगों का उनके विकास के लिए या उनके लाइफ आसान हो जाए उसके लिए उसको एक बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सर, आपका जीवन किस तरह से रहा है, आपके परिवार ने ये सब चीज़ों को किस तरह से देखा कि आए दिन आप या आंदोलन कर रहे हैं या किसी के साथ भिड़ रहे हैं या कहीं अपनी बात को अपनी आवाज़ उठाकर लोगों के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और आज के दौर में इन बातों को उजागर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अब मूल्य बचे नहीं हैं। सार्वजनिक जीवन में वो लोग बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आज भी कायम है लोग, उम्मीद पूरी बनी हुई है। तो संघर्ष के मैदान में जब आप एक वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, मार्क्सवाद से आप प्रभावित हो जाते हैं, और एक नए समाज के सपनों को लेकर जब आप गोलबंद करते हैं लोगों को, तो वो रास्ता बहुत तकलीफ़ का होता है, लेकिन बढ़िया भी होता है। और इसलिए जीने का तरीका, हर रास्ते का अपने जीने का तरीका होता है। आप अगर संघर्ष के मैदान में हैं तो आपका जीवन जीने का तरीका भी आपका अलग होगा, इसलिए ये हमारे लिए कभी चुनौती नहीं रही, क्योंकि हमें बड़ी खुशी है कि हमें हमारी बीवी पालती है और हम पूरा समय इस काम में लगे हुए हैं। सर, वक्त के साथ किस तरीके की चीज़ें बदली हैं यूनियन में काम करने के तरीके में और साथ ही साथ नागपुर महानगर पालिका में? देखिए, वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, पूरा समाज बदला है, पूरी अर्थव्यवस्था बदली है, मूल्य बदले हैं, राजनीति पूरी बदल गई है, तो उसके सारे परिणाम जो है वो संगठनों पे दिखते हैं,
उसके सारे परिणाम आंदोलनों में दिखते हैं। ये बात सही है कि जिन आंदोलनों के हम सिपाही है उस पर बदलता हुआ जो परिवेश है, खास करके पिछले 30 सालों में, उसका बहुत गहरा और बहुत ही विपरीत ऐसा परिणाम पड़ा है। लोगों की सोच बदली है, मजदूरों की सोच बदली है, संगठनों के मायने बदले हैं, नेता और नेतागिरी की परिभाषा बदल गई है, और एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर पिछले 30 साल से गुजरा है, और हम सबके लिए, हम जैसे साथियों के लिए ये बहुत कठिन घड़ी रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि विपरीत परिस्थिति में भी लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष जिंदा है, और हाल ही में 2021 मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकशाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा वर्ष है जिसने इस देश की लोकशाही पर एक प्रकार से फिर से विश्वास को प्रस्थापित किया है। आंदोलन और आंदोलन की उम्मीद पर एक प्रकार से मोहर लगाई है, और वो है किसान आंदोलन, जिस किसान आंदोलन ने इस देश की एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो है, जो पिछले 30 वर्षों में और खास कर इसके 2014 के बाद जो एक प्रकार से सिकुड़ गई थी, उस स्पेस को इस किसान आंदोलन ने बना के रखा है, बरकरार रखा है। लोगों को एक ताकत दी है कि बड़े बड़े सरमायदारों से भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक नया दौर फिर शुरू हुआ है, और उसके जो जिसको बोलते हैं ना, उसके अंश पिछले साल भर से हम लोग इस देश में और इस देश की राजनीति में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो योगेंद्र यादव जी के साथ मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने के लिए दिल्ली गया था। वहाँ पर उनसे किसान आंदोलन के ऊपर में मेरी चर्चा भी हुई थी। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि किसानों की क्या तकलीफ है। लेकिन किसानों की तकलीफ ना ही सिर्फ पंजाब में या उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसानों की तकलीफ विदर्भ में बहुत वर्षों से रही है। सर, सरकारें महाराष्ट्र में बदली हैं वक्त के साथ। कभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार सबसे ज्यादा चली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुत कम मौका मिला है। लेकिन इनको भी मौका मिला है, ऐसी बात तो नहीं है कि मौका नहीं मिला है। सर, आप कैसे देखते हैं, सिर्फ किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, किसानों के राइट्स के बारे में बात करें, विदर्भ में पिछले कोरोना काल में भी सर 2,500 से ज्यादा आत्महत्या हुई है। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या किसानों की गलती है? क्या किसान अपनी आवाज उस तरीके से बुलंद नहीं कर पाए? क्या किसानों के जीवन में इस किस्म की चीजों की कमियां हैं जिसकी वजह से वो शायद उतनी अच्छी एग्रीकल्चर कर नहीं पाते? या फिर सरकार द्वारा दिए गए जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो किसानों का मॉरल और किसानों के काम को बूस्ट कर सके? देखो, ये सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है, और ये सवाल ये भी नहीं है कि कब कौन सी पार्टी ने राज किया है। इसलिए आप देखते हैं कि पार्टियां बदल जाती है, लेकिन सवाल वही है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि व्यवस्था का मामला है, आर्थिक नीतियों का मामला है। तो इसलिए हम देखते ये हैं कि राजनीति में बढ़ चढ़कर आम आदमी की बात होने लगी है। राजनीति में बढ़ चढ़कर आम आदमी को आश्वासन देने का एक प्रकार से एक दौर खुल गया है। राजनीति में आम आदमी के भावनाओं के साथ खेलने का एक पूरा, जिसको बोलते हैं कि एक पूरा एक मॉडल है। लेकिन ऐसा क्या है कि फिर आम आदमी के जीवन में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी जिसको कहें, कि उनके जीवन में खुशहाली आ नहीं रही है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश में व्यवस्था क्या है। तो इस देश के अंदर सरमाएदारों ने विकास के नाम पे जो रास्ता अपनाया है वो है पूंजीवाद का, जी और पूंजीवाद के रास्ते में उसके परिणाम जो है उससे हम और आप अछूते नहीं हैं। इसलिए जैसे जैसे पूंजीवाद परिपक्व होगा या पूंजीवाद का विकास होगा, वैसे वैसे समस्याओं का भी जो है उसका गुणात्मक परिणाम हमको दिखेगा। और पूंजीवाद की विशेषता ये है कि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जो अपने आप में विरोधाभास पर टिका रहता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि
सरकारें बदल रही है, लेकिन पूंजीवाद जो है वो जो आर्थिक ढांचा है, व्यवस्था है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। इसलिए पार्टियां बदलेगी लेकिन व्यवस्था के जो परिणाम हैं वो वैसे ही रहेंगे और तीव्र होते रहेंगे। लेकिन अगर व्यवस्थाएं सर बनाने सर पॉलिसीज बनाने वाले तो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स ही पॉलिसीज बनाते हैं, उसके बाद फिर से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसको फॉलो करता है। तो क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स वक्त के साथ अभी भी अपडेट नहीं हुए, अपग्रेड नहीं हुए, कि हमारे जो IAS और IPS जितने ऑफिसर्स हैं उनकी पढ़ाई में और उनकी एडुकेशन में कहीं कमी है कि वो सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या लोगों का प्रॉब्लम है कि वो अपग्रेड हुई और अपडेट हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सवाल यह है कि हम लोग को एक बात समझनी पड़ेगी कि पार्टियां राज नहीं करती है, पार्टियां राज नहीं करती है, राज करते हैं जिसको हमारी भाषा में वर्ग राज करता है। उसको और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, या तो राज पूंजीपतियों का होगा, या तो राज सरमायदारों का होगा, या तो राज मजदूर किसान का होगा, या तो राज आम आदमी का होगा, या तो राज मेहनत कशों का होगा। तो पार्टियां और व्यवस्था, नौकरशाही, ये इन राज को चलाने की एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स है, ये अपने आप में राज नहीं है। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पार्टियां आखिर किनका प्रतिनिधित्व कर रही है। अगर इस देश के अंदर चुनाव की प्रतिबद्धता ना हो तो इस देश की वामपंथियां पार्टी अगर छोड़ दे, बाकी पार्टियां खुलकर ये बोल सकती कि भाई हम सरमाएदारों के लिए काम कर रहे हैं, हम पूंजीपतियों के दलाल हैं। लेकिन चुनाव एक इस देश की लोकशाही का अभी अंग है जहां जनप्रतिनिधि बनना पड़ता है, तो इसके लिए आम आदमी का वोट चाहिए। तो इसके लिए फिर उसको लुभाने के सिवा, क्योंकि पूंजीवाद में आम आदमी को देने के लिए कुछ नहीं होता है, पूंजीवाद में आम आदमी के श्रम का दोहन कैसे किया जा सकता है और पूंजीपतियों की संपत्ति कैसे और उनका मुनाफा कैसे बढ़ाया जा सकता है, यही पूंजीवाद है। लेकिन पूंजीवाद का समर्थन करते हुए, पूंजीपतियों की दलाली करते हुए आम आदमी का वोट नहीं लिया जा सकता है। इसलिए आम आदमी का वोट लेना है तो उसको बड़े लुभावने बात बात करनी पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर पहली बार चुनाव में 2014 एक ऐसा चुनाव है कि जहां वोट मांगने वालों ने सीधा लोगों के साथ वादा किया, आप मुझे ये दो, आप मुझे वोट दो, मैं ये करके दिखाऊंगा। डील थी मतलब। एक क्लियर कट डील थी। और वो डील क्या थी? वो डील ये थी कि सबका साथ सबका विकास, जी कौन नहीं चाहता विकास, जी विकास सबका, तो ये डील थी। सबको 15 लाख मिलेंगे, ये डील थी। जी हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, ये डील थी। और उस डील के चलते हमने और आपने सबने वोट किया। लेकिन देखा क्या, 7 साल के अंदर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर गरीबी बढ़ी, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का जो खाई है वो बड़ी, और सबसे ज्यादा इस देश के अंदर सरमाएदारों ने, टाटा बिरला अंबानी अडानी ने जितना कमाया उतना इसके पहले कभी कमाया नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश की राजनीति में जो राजकीय पार्टियां हैं वो चुनाव के व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस आम जनता को भूल भुलैया में रखकर अपना वोट लेते हैं, लेकिन राज वो नहीं कर रहे हैं। राज टाटा बिरला अंबानी अडानी कर रहे हैं, उनकी ये सेवा कर रहे हैं, उनके हित में वो कानूने बनाते हैं, उनके हित में ये नियम बनाते हैं, उनके हित में ये सारी चीजें जो है सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। इस बात को हमको समझना होगा कि राज कांग्रेस का नहीं है, राज बीजेपी का नहीं है, राज अगर किसी का है इस देश के अंदर तो टाटा बिरला अंबानी अडानी का राज है, और इनकी सेवा करने वाली पार्टियां आज तक सरकारों में बनी रही। इसलिए आपको दिखेगा कि मजदूर किमान वेतन से वंचित है और किसान आत्महत्या करने के लिए ललायत है। सर ये जो पूरा का पूरा थॉट है, अगर आप ये कहें कि पूंजीवाद
चल रहा है देश में, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और उनके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, वो नेता हो या फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन सर किसी भी देश के डेवलपमेंट में अगर आप देखा जाए तो सर ये पूंजीवादियों का एक बड़ा अहम रोल होता है सर, जिस किस्म का टैक्स वो भरते हैं, अगर आप उनका टैक्स देखें और जो बाकी पूरे भारत का टैक्स आप देखें तो उसमें जमीन आसमान का भी तो फर्क आता है सर। तब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा जी। और सबसे ज्यादा टैक्स चोरी अगर कोई करता है वो इस देश के पूंजीपति करते हैं। तो आपका इस देश के अंदर अगर सरकारी बैंकों को किसी ने डुबाया है वो पूंजीपतियों ने डुबाया है। इस देश के अंदर सरकारी बैंकों से सबसे ज्यादा कर्जा किसी ने अगर लिया है वो इस देश के पूंजीपतियों ने लिया है। इस देश के बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने जमा किया है तो आम जनता ने किया है। इस देश के टाटा बिरला अंबानी का सेविंग अकाउंट नहीं मिलेगा आपको कहीं, लेकिन इस देश के अंदर आपको रिक्शे वाले का भी एक सेविंग अकाउंट मिलेगा। तो ये धारणा आप निकाल लीजिए कि पूंजीपति जो है वो टैक्स भरता है, वो टैक्स चोरी करता है। पूंजीवाद ने पूंजीपतियों की एक नई परिभाषा की है और मार्क्सवाद ने उसी की एक नई परिभाषा किया है कि पूंजीपति ये श्रम की चोरी करता है। पूंजीपति सार्वजनिक श्रम से निर्माण हुए संपत्ति को वो निगल लेता है। तो पूंजीपति श्रम का चोर है और आम मजदूर जो श्रम है वो संपत्ति का निर्माता है। ये तो परसेप्शन का सवाल है, ये तो पर्सपेक्टिव का सवाल है सर। पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक तरफ जब गवर्नेंस की बात आती है, जब फुल फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो सर कहाँ कमजोर पड़ जाती है ये एजेंसीज जो काम करती है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ईडी की बात कर रहा हूँ, क्या उनको इस किस्म की टैक्स चोरियां दिखती नहीं या वो देखना नहीं चाहते? देखो इस देश के अंदर टैक्स दो प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इस देश के अंदर जो सालाना जो टैक्स आता है उसमें सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स कौन दे रहा है? इस देश का आम आदमी देता है। वो एक माचिस भी खरीदता है या 10 रुपये की बीड़ी भी खरीदता है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये दिमाग से निकाल लो कि इस देश का आम आदमी टैक्स नहीं देता है, इस देश का आम आदमी ही टैक्स देता है और उसी के भरोसे इस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। अब सवाल है कि भाई देखिए ऐसा है कि पूंजीवाद में पूंजीपतियों के खिलाफ कार्रवाई हो ये नहीं हो सकता है, ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी फंक्शनिंग ये नहीं हो सकती है। हाँ तो इसलिए ये कोई बात नहीं है। ओके, मतलब सिर्फ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यही खुद ही अपने आप अच्छे हो जाएंगे कि बाकी तो एजेंसी नतमस्तक हो चुके हैं। नहीं, ये अपने आप अच्छे कोई होता नहीं है जी। पूंजीवाद नाम की जो एक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है वो अपने बहुत सारे अंतर्द्वंद्वों के बुनियाद पर टिकी रहती है और जो समाज व्यवस्था अंतर्द्वंद के बुनियाद पर टिकी रहती है उसका खत्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये समाज आम आदमी का बना हुआ समाज है और इसलिए आम आदमी आजीवन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता वो भूख और बर्बादी बदहाली के हालात में जिंदगी गुजर जाए। परिवर्तन निसर्ग का नियम है और इसलिए परिवर्तन की लड़ाई चलती रहेगी, जिसको कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, ये आते रहेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि इस देश के अंदर मेहनत कशों को बांटने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बड़ा हथियार धर्म है और जात है। और जब जब मेहनत कश इकट्ठा होता है तब तब इस देश के अंदर धर्म और जात के झगड़े खड़े कर दिए जाते हैं, फिर वो बढ़ जाता है। लेकिन ठीक है, किसान आंदोलन ने यह दिखाया है कि नहीं, इससे भी उभर सकते हैं और उभरा है। सर थर्ड फ्रंट नहीं है, सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो सुप्रीम तरीके से राज करती हैं इस देश में, लेकिन थर्ड फ्रंट बनाने में एक तरीके से कई सारे लोगों ने कोशिश भी करी और उनकी कमर भी टूटी, आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो
सवाल, पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ लेकिन मैं आपकी राय जरूर जानना हाँ चाहूंगा आपसे। ये जो सवाल है ना, इसका और यथार्थ का कोई संबंध नहीं है। देखो, इस देश की पॉलिटिक्स में 1990 से एक बड़ा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन ये आया कि एक पार्टी की सरकार लगभग 1990 के बाद ख़त्म हो गई, और 90 में एक और चीज़ हुई कि नई आर्थिक नीतियां भी हमने लागू किया। जिन जिन लोगों ने नई आर्थिक नीतियों की बात की, उनकी एक पार्टी की सरकार 2014 तक नहीं आई है। 2014 एक एक्सेप्शन है, उसके कारण अलग है, लेकिन 1990 के बाद इस देश की राजनीति में एक नया मोड़ आया, और वो नया मोड़ ये था कि एक सरकार की पार्टी खत्म हो गई, कोलिशन की सरकार बनी। तो 90 से लेकर 2013 तक कोलिशन रहा, देश भी रहा, सरकारें भी रही, लोग भी रहे, तो मतलब कोलिशन रहा है। 2014 के बाद भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा देश के अन्य भागों पे नज़र फिराने की ज़रूरत है। कई राज्य है जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स है, कोलिशन गवर्नमेंट्स है। तो इसके लिए ये बात सही है, इस देश के और दुनिया के साम्राज्यवादी शक्तियाँ, सरमादारी शक्तियाँ और पूंजीवादी शक्तियाँ चाहती है कि इस देश की पूरी राजनीति को बाइपोलर राजनीति में तब्दील किया जाए, द्विपक्षीय राजनीति में इसको तब्दील किया जाए, ये उसकी कोशिश है। जैसे कि अमेरिका में है कि कोई भी आ जाए जो है वो पूंजीपतियों को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को धक्का ना लगे, तो उसी प्रकार इस देश के अंदर बहुत सालों से चल रही है, लेकिन वो देश की विविधता जो है ये उस कोशिश को स्वीकार नहीं कर रही है या उसको सफल होने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर भी कोलिशन पॉलिटिक्स भी मैच्योर्ड, जिसको बोलते हैं परिपक्व, हो रही है, होते आई हुई है, और आने वाले दिनों में भी होते रहेगी। नागपुर पे आते हैं, नागपुर के बारे में बात करते हैं। 2014 के बाद नागपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रोड सीमेंट के हो गए, मेट्रो मेल, मेट्रो रेल आ गई, फ्लाईओवर्स बनना शुरू हुए, फिर भी आप खुश नहीं दिखते, क्यों सर? देखिए, नागपुर महानगर पालिका, इसको सिर्फ आप मेट्रो, मॉल, फ्लाईओवर और सड़क, ये पांच आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स से जोड़ के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा सा और आपको गहराई में जाना पड़ेगा, और वो गहराई ये है कि नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गवर्नेंस का अपने आप में नया मॉडल है। पूरे देश में कई सारे मॉडल्स हैं, तो नागपुर भी एक मॉडल है, और वो मॉडल क्या है और उस मॉडल की बुनियाद कब से डाली गई, तो उस मॉडल की बुनियाद लगभग 2004 में डाली गई, 4-3 से डालना शुरू हुई है, और उस मॉडल के चलते आज हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेशन एक भी काम, एक भी म्युनिसिपल सर्विसेज जिसको कहते हैं, नॉट अ सिंगल म्युनिसिपल सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशन। ईच एंड एवरी म्युनिसिपल सर्विस हैज बीन आइदर आउटसोर्स्ड और प्राइवेटाइज्ड। तो म्युनिसिपल सर्विसेज का निजीकरण करने का मॉडल अगर कोई है पूरे देश में, वो है नागपुर। इसको समझना पड़ेगा, और इसीलिए आपको दिखेगा कि नागपुर का जो अब जिसको अपन कहते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्पेस, चाहे वो खड़ा या आड़ा जो स्पेस है, ये स्पेस अल्टीमेटली चले किसके हाथ में गई, आपको उस कैनवास में आप देखेंगे तो नागपुर जो है आज कंपनियों के हाथ में चले गई है। और चाहे वो वर्टिकल स्पेस हो, चाहे वो हॉरिजेंटल स्पेस हो, इन स्पेसेस से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाया जा रहा है। और दूसरी तरफ परिणाम क्या हुआ,
जितनी भी म्युनिसिपल सर्विसेज थी उसकी जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता की ऐसी तैसी हो गई है। एग्जाम्पल देंगे सर? फॉर एग्जाम्पल सड़कें, आज से 10-15 साल पहले जब तक सीमेंट रोड नहीं आए थे सड़कों के हालात बेहतर थी। अब लोग तुलनात्मक करते हैं ना, जब तक शहर बस सेवा जिसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं महामंडल के हाथ में थी, जब से प्राइवेटाइजेशन हो गया हालात खराब हो गई। तुलनात्मक अब लोग कहते हैं कि वही महामंडल की बस बेटर थी। बेटर थी। जब से पानी कंपनी के हाथ में चले गई तुम्हारी और मेरी जेब कटने ज्यादा लग गई। OCW के हाथ में चले। 3 रुपए यूनिट 2012 में पानी पर यूनिट 2003 रुपए थी, आज कोई हिसाब नहीं लगा रहा कि तुम्हारे और मेरे जेब से पर यूनिट पानी कितना जा रहा है, आज वो 13.5 रुपए हो गई। नागपुर 2012 में भी इस देश के बेहतरीन गुणवत्ता वाला पानी नागपुर में उपलब्ध किया जा रहा था। किसी यानी एज फार एज क्वालिटी ऑफ नागपुर वाटर वॉज कंसर्न, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वाटर प्रोवाइडेड एंड सप्लाइड बाई नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व्हेन इट वॉज होल्डिंग द एंटायर सिस्टम इन इट्स हैंड। आज क्या फर्क पड़ गया उसमें? कोई फर्क नहीं पड़ गया। पहले सुनवाई तो भी हो जाती थी क्योंकि वाटर डिपार्टमेंट तो कॉरपोरेशन में था तो आम आदमी उस चले जाता था। अब कंपनी वाले गेट में खड़े नहीं होने देते आम आदमी को, तो वाटर की हालत है। कचरा, जब तक सैनिटेशन वॉज इन द परव्यू ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन कचरा उठ जाता था। जब से कचरे का वो प्राइवेटाइजेशन हो गया ठेकेदार बदलते चले गए कंपनियां बदलते चले गई लेकिन शहर का कचरा साफ नहीं हुआ। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। जब टैक्स डिपार्टमेंट नागपुर के अंदर टैक्स का पूरा प्रबंधन करता था और जब टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स कलेक्शन का काम प्राइवेटाइज कर दिया गया तो सिर्फ घोटाले सामने आ रहे हैं। तो मुद्दा यह है दोस्त कि आज नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गवर्नेंस का मॉडल ये है कि नाली के गंदे पानी से भी मुनाफा कमाओ और पीने के पानी से भी मुनाफा कमाओ, कचरे से भी मुनाफा कमाओ, पानी से भी मुनाफा कमाओ। मतलब हम और आप जो टैक्स दे रहे हैं वो सेवाओं के लिए नहीं दे रहे हैं, इन कंपनियों का मुनाफा बना रहे इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं। और जब से म्युनिसिपल सर्विसेज का निजीकरण हो गया तब से कॉरपोरेशन आर्थिक संकट में फंस गई। कभी इसमें और हम विस्तार से बात कर लेंगे। कोई तो भी कॉरपोरेशन के बजट बुक को उठा के पढ़ लेने की थोड़ी बहुत समय नागपुर के लोगों ने निकाल लेना चाहिए। 2005 नागपुर के बजट डेफिसिट कितनी थी, बजट में लोन कितना था और 2021 में बजट डेफिसिट कितना है और लोन कितना है, तो सारा चित्र हमको क्लियर हो जाएगा। सर पॉपुलेशन में भी तो चेंज आया है, पॉपुलेशन भी तो वक्त के साथ बढ़ा है। पॉपुलेशन बढ़ गया ना तो 30 साल में, सिटी एरिया भी बढ़ गया ना आ सर। तो इसका मतलब टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया ना। जी कोई ये तो बताए कि पिछले 15 सालों में, अगर आप मुझे बताते कि बजट पे बात करना है तो मैं और बेहतरीन नहीं तरीके से बताता मैं एक आपको, ओवरव्यू चाहता हूँ सर बस। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी पीपुल आर मोर फैसिनेटेड अबाउट गिविंग रिएक्शन ऑन व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट द बजट, पीपुल आर मोर ऑब्सेस्ड टू रिएक्ट कॉमेंट डिस्कस व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ बजट, बट वी नेवर यू नो थिंक दैट कॉर्पोरेशन बजट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बजट विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड, विच नीड्स टू बी स्क्रूटिनाइज, विच नीड्स टू बी सीन विद अ क्लोजर आइज। तो बजट अगर हम देखेंगे टूडे द नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
इतनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है एंड देयरफॉर आम आदमी के जीवन में गड्ढे वाले रोड आए हैं। दी मॉडल है ना, ये मॉडल ये है कि आप और हम जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क पे गड्ढे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा, इस गवर्नेंस को हमको समझना पड़ेगा। और इस गवर्नेंस को समझे बगैर जो है, और ये सारा जो लूट हो रही है, जी सारी लूट इस देश के अंदर, सारी लूट इस देश के अंदर, आम जनता को बेवकूफ बनाने की भी जो एक चक्री है ना, वो एक शब्द के इर्द गिर्द में है। और वो शब्द क्या है? वो शब्द का नाम है विकास। डेवलपमेंट इज वन वर्ड अराउंड द इंडियन पॉलिटिक्स इज रिवॉल्विंग वेयर द रूलर्स फूलिंग द पीपुल टू सच एन एक्सटेंट कि हम 15 लाख भी भूलने को तैयार है, हम हमारी बेरोजगारी भूलने को तैयार है, हम सारी चीजें भूलने को तैयार है, और एक नया नाच विकास के नाम पर नाचने को तैयार है। मतलब इस विकास के नाम या विकास नाम के शब्द के अवधारणा में इस देश की आम जनता को, जिसमें नागपुर शहर की भी आम जनता को, सिर्फ एक नाचने वाले, ताली बजाने वाले, वाह वाह जमात में बदल दिया गया। और वो है, अरे हमारे शहर में तो मेट्रो है, उसको जाना नहीं है मेट्रो में। कल तक उसकी गली में जो बस आती थी वो खत्म हो गई, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो विकास नाम है ना, विकास विकास, तो इसके लिए मैंने एक बहस में, एक डिबेट में एक नया टर्म मैंने कॉइन किया था। सिंस 2014 अ न्यू टाइप ऑफ अ गवर्नेंस केम इन टू एग्जिस्टेंस इन दिस कंट्री एंड दैट गवर्नेंस शुड बी कॉल्ड एज इल्यूजनरी गवर्नेंस। इल्यूजनरी गवर्नेंस विच यू सी इज समथिंग डिफरेंट, विच यू एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। तो एक नया पैटर्न है, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस हैज टेकन अ बैक सीट। नाउ द न्यू टर्म ऑफ द गवर्नेंस इज इल्यूजनरी गवर्नेंस। सो इन द इल्यूजन, अल्टीमेटली इन द इल्यूजन व्हाट हैपेंस? जो नहीं है वो दिखता है और जो है वो नहीं दिखता है। और सिर्फ बोल बचन ही दिखता है सर। हाँ, बोल बचन की दुनिया है। और एक सवाल आपसे ये कि पिछले 18 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में एक पार्टी मैक्सिमम सीट्स हासिल करके उनके मेयर को बैठाते आई है, आप कैसे देखते हैं उसको? कुछ नहीं, मैंने जो कहा ना, इल्यूजन में जब फंस जाए आदमी तो वो अपना विवेक खो जाता है। विलूजन, इल्यूजन में यानी दृष्टि भ्रम में एक बार जब आदमी फंस जाता है तो वास्तविकता से उसको असलियत दिखती नहीं है। सर आप ऑफिसर्स से भी तो नाराज रहते हैं, काम करने वाले ऑफिसर्स वक्त के साथ बदले, आयुक्त बदले, आपको कुछ ऐसे आयुक्त थे जो पसंद आए, उनके काम करने का तरीका पसंद आया, कुछ ऐसे थे जो आपको एक आंख नहीं भाई? नहीं, इसमें बुनियादी बात दूसरी है। मैं ये मान के चलता हूं कि इस देश के कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव पे है, ने कार्यपालिका पे है। और कार्यपालिका, और खास करके उसमें IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नाम बहुत अच्छा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब वो भारतीय प्रशासन की सेवा करने वाला अधिकारी है। इसका मतलब ये है कि उसके नज़रों में हर टैक्स पेयर बराबर है। लेकिन वो IAS बन के आता है, लेकिन वो सर्विस देता है प्राइवेट को। वो IAS बन के आता है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर करके आता है, बट वो जब चेम्बर में चले जाता है तो वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में तब्दील हो जाता है, जहां हम जो है सवाल उठाते हैं, क्योंकि उस IAS की पगार इस देश का आम आदमी देता है। इसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है, जब तक वो पब्लिक ऑफिस में है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन एज फार लॉ इज कंसर्न। लेकिन हमको दिखता नहीं है। टुडे द होल एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री इन दिस डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, इस विकसित
पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो कार्यपालिका है ये उनकी एजेंट के रूप में काम कर रही है, और पॉलिटिकल डिग्रेडेशन हो जाने की वजह से अब जनप्रतिनिधि, उसको नागपुर की भाषा में बोलते हैं सयाजी राव, सही मारने वाले हो गए। तो क्या करना है पॉलिटिकल क्लास नहीं तय कर रहा है, क्या करना है ये एग्जीक्यूटिव तय कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। आखिरी का थप्पा सिग्नेचर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का लगता है, तो उसको तो चमक धमक बता दिया गया कि साहेब आपला शहर मध्ये मेट्रो आला तो जगात नागपूरचा नाम होईल, असं तो वो जो डिग्रेडेड पॉलिटिशियन है असं का, लवकर करा लवकर लवकर, कुठे सही पाहिजे मला सांगा, काय अडथळा तुम्ही सांगा। तो ये जो नेक्सेस है ना, इसमें जो इस देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसने इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इस देश के अवाम के साथ जो एक प्रकार की गद्दारी की है, उसकी वजह ये है, उसका परिणाम है कि आज आम आदमी जो है ना समाज का शहर का, उसकी कोई इज्जत सरकारी कार्यालय में नहीं होती है। इट इज शेम ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुज डोर्स आर क्लोज फॉर द कॉमन मैन, देयर डोर्स आर ओपन, देयर ओनली वेलकम आइदर द रिच पीपल्स एसोसिएशन और द रिच पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन और द पीपल हु टो विद द लाइन ऑफ द पावर। सिर्फ कोविड का दौर देख रहा है, कोविड के दौर में जिस तरह से प्रशासन ने काम किया, आप उसको सराहते हैं? देखिए, कोविड के जमाने में मैंने काफी फेसबुक लाइव किए हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि कोविड ये एक आरोग्य से संबंधित मसला है, कोविड इज एन हेल्थ इश्यू। इसलिए इस पूरे कोविड के प्रबंधन हो, कोविड से मुकाबला करने का सवाल हो, इसके कैप्टन कौन होने चाहिए? इनके कैप्टन शुड बी फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी। कोविड बीइंग एन हेल्थ इश्यू टू कोप अप टू कॉम्बैट कोविड, द कैप्टन शुड हैव बीन फ्रॉम द फ्रेटर्निटी ऑफ मेडिसिन, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। बट अनफॉर्चुनेटली दिस IPS एंड IS लॉबी हैव हाईजैक्ड दिस एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड एंड क्रिएटेड अ फियर साइकोसिस इन द कंट्री, एंड देयरफॉर यू सी द कॉमन मैन आर बीइंग बैश्ड अप और बीइंग बीटन अप। आर दे क्रिमिनल्स? इज दिस वे द हेल्थ इज टेकल्ड? बाय कीपिंग द कॉमन मैन इग्नोरेंट, बाय मेकिंग देम जस्ट टू, जिसको बोलते हैं क्या, आदेशों से आप आरोग्य का समाधान करोगे? अनफॉर्चुनेटली मेरे देश में आरोग्य के मसले को लॉ एंड ऑर्डर के मसले के रूप में देखा गया, और इसलिए आपको ये दिखता है कि ना ही वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ना ही पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, ना ही डॉक्टर्स, आप किसी डॉक्टर का नाम पूछो, किसी को जानते हैं नागपुर शहर में? नागपुर शहर में जानते हैं कोविड के दरमियान या तो NMC कमिश्नर को या तो पुलिस कमिश्नर को? ये डॉक्टर्स है, ये पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वेयर आर दे गॉन? वेयर आर दो साइंटिस्ट हैव गॉन? ये होने चाहिए थे। पिछले 2 साल में लोगों की कोई जानकारी बढ़ाई नहीं गई पब्लिक हेल्थ के मामले में। मैं ये मानता हूं कि अगर लोग जागरूक है तो आपको समाज अलग दिखेगा, लेकिन आप लोगों को डरा के ही रखना चाहते हैं। ये सिस्टम नहीं चाहता कि आम आदमी को जगाओ, ये सिस्टम नहीं चाहता कि समाज जागरूकता के बुनियाद पर चले, ये सिस्टम डंडा मारने पर विश्वास करता है, ये सिस्टम आम आदमी को, जिसको कहते हैं अनअवेयर, रखना पसंद करता है, क्योंकि वो सवाल नहीं खड़ा करता है। सर कुछ सवाल है मेरे, मैं चाहूंगा बड़े आप संक्षिप्त में एक लाइन में इसका उत्तर दें और अपना रिएक्शन दें। उम्मीद है कि आप देंगे, मुझे मालूम है कि बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन तो समय थोड़ा सा काम कर रहे हैं हमें। सर सबसे पहला सवाल मेट्रो रेल से जुड़ा हुआ, नागपुर मेट्रो को आपकी क्या थिंकिंग है? इट इज अ फुलिशनेस टू बी अ मेट्रो इन नागपुर, ये मूर्खता है। और
37 किलोमीटर के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। इससे इस शहर की ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होने वाला है और ना ही इससे कुछ होने वाला है, उलट इससे और ज़्यादा समस्या बढ़ने वाली है। और जिस तरीके का स्पेस, जिसको बोलते हैं ना स्पेस, ये एक प्रोजेक्ट में मुझे समझ नहीं आता, लोग भी चर्चा नहीं करना चाहते। 1 किलोमीटर ऑफ मेट्रो इज कॉस्टिंग, 1 किलोमीटर की मेट्रो साढ़े करीब करीब 330 करोड़ रुपए की है, और इस देश इस शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर हर लाख पीछे सिर्फ 11 से 12 बसें हैं, जबकि मानक ये कहता है कि 1 लाख पे 50 बसें होनी चाहिए। और बसें ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, ये जो लोन, ये सारा लोन, तो ये एक अलग मॉडल है, ये लूट और दोहन का मॉडल है, हमारे और आपके लिए सिर्फ ताली बजाने के लिए है। सर अजनी वन, 40,000 पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा सर? आईएमएस प्रोजेक्ट आएगा। देखिए सवाल इस बात का है कि लोग अजनी के पेड़ों के कटने पर जो है थोड़े बहुत परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझको लगता है वो थोड़ा दुय्यम बात है। लोगों ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। जिस दिन इस पे तुम सवाल खड़ा करना कर लोगे, उस दिन अजनी के झाड़ बच जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक डिस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट मान लेंगे और बाद में झाड़ भी नहीं कटने देंगे, ये नहीं हो सकता। सो देयरफॉर यू हैव टू, वन हैज टू एक्सपोज द ओनली डिजाइन, द वेरी डिजाइन ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ये जो सपने दिखाए जा रहे हैं, एक तरफ अब फ्रांस में पेरिस कन्वेंशन में आप वहाँ पर यह है कि जीरो कार्बन, और दूसरे तरफ आप ठीक उसके खिलाफ आप काम करते हो। तब तक आप इस पे आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे, आप आंसू बहाने की लड़ाई से परिवर्तन नहीं ला सकते, ना ही रोक सकते हैं। द क्वेश्चन इज दिस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब नीड्स टू बी क्वेश्चन। जिस दिन आप इसको भगा लेंगे, अजनी वन बच जाएगा। सर नागपुर महानगर पालिका के होने वाले चुनाव, आपका क्या सोचना है उस पर? कुछ नहीं, नागपुर, मैं बहुत दुखी हूँ नागपुर से, नागपुर के लोगों से। 30 लाख की आबादी है, यहाँ नागरिकों की कोई सोच नहीं है। 5 नागरिक नहीं है नागपुर शहर के अंदर जो नागरिक करके सोचने को तैयार है। शहर छोटा है, राजनेता बड़े हैं, तो हर आदमी कॉपअप हो जाना चाहता है। यहाँ सारी जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था एकदम पंगू हो गई है, और लोग जो है वो कुछ कुछ भूमिका में नहीं है। लोकशाही के लिए सबसे खतरनाक ये होता है कि आम नागरिक सोचना बंद कर दे। जब आम नागरिक सोचना बंद कर देता है तो और कुछ नहीं होता है, जिंदा लाशों का शहर बन जाता है। और दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द कमिंग डेज, वेदर इट इज इलेक्शंस, कॉरपोरेशन इलेक्शन हो जाए, कोई भी चुनाव हो जाए, सवाल इस बात का है कि आम आदमी कुछ भी भूमिका नहीं लेना चाह रहा है। रोज वो सड़क गड्ढे से जा रहा है, इतनी धूल है, लेकिन जिन्होंने कार खरीद ली उनको लगता कार के शीशे बंद कर दो एसी। व्हाट टाइप ऑफ अ सिटी यू आर मेकिंग इन कोविड? जैसे कोविड के रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए, अकेले नागपुर शहर के अंदर 40,000 कारें खरीदी गई। तो ये है शहर, इस पे आपको बात करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए जब तक आप अपने शहर से प्यार नहीं करेंगे ना, आप अपने शहर के बारे में सोच नहीं पाएंगे। सिर्फ जिंदा रहना इसलिए क्योंकि आप मर नहीं रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ओन करना पड़ेगा, दिस इज माई सिटी, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब हम सोचना बंद कर दिए तो किसी मंत्री को, चार नौकरशाह को हमने विजनरी मान लिया है। ये विजनरी नहीं है, ये डिस्ट्रक्टर्स है, ये डिस्ट्रक्टर्स है। जिस दिन हम सोचना शुरू कर देंगे ना, हमको उत्तर मिल जाएगा कि मेट्रो क्यों आई और मेरे जीवन से बस क्यों चले गई।
जिस दिन हम सोचने लग जाएंगे ना कि मेरी मेरा पानी आज बिक रहा है और मैं ही उसका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ, जिस दिन मैं सोचने लग जाऊँगा ना उस दिन मेरे सड़क के गड्ढे क्यों हो रहे हैं उसके उत्तर मिल जाएंगे। जिस दिन मैं सोचना शुरू कर दूंगा ना तो उस दिन मेरे को उत्तर मिल जाएगा कि इस शहर के अंदर कचरे से भी मुनाफा कमाया जा रहा है, मैं सिर्फ टैक्स इसलिए दे रहा हूँ। हर कंपनी की मुनाफा व्यवस्थित चलनी चाहिए। तो आई एम बींग ट्रांसफॉर्म्ड एज अ टैक्स पेयर टू टेक केयर ऑफ द कंपनीज, नॉट ऑफ माई सेल्फ एंड माई सर्विस एंड माई सिटी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर, आपको लगता है कि नागपुर की जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उनके उनका खुद का एक दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नागपुर को इस सब चीज़ों से अवगत कराए, एडुकेट करें? देखो, ऐसा है कि जब मीडिया का मालक मंत्रियों के आगे पीछे घूमने में धन्य समझता हो तो वहां पर पत्रकारों की सीमाएं तय हो जाती है। जहां पत्रकारों की एक पूरी लॉबी मंत्रियों की दलाली में लग जाती हो तो वहां काम करना और ऐसे मीडिया में आम जनता की बात का स्पेस बहुत कम हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली दीज आर द चैलेंजेस ऑफ नागपुर, एंड आई होप कि नागपुरियंस विल रियलाइज दीज फैक्ट्स एंड दे विल रियली कम अप एंड थिंक अबाउट द सिटी। तो विदर्भ एक काफ़ी वर्षों से एक ऐसा मुद्दा है जो ज्वालंतराव धोटे जी से के वक्त ही शायद बन जाता विदर्भ। हाल ही में एक और विदर्भ के नेता की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, वो भी विदर्भ के लिए काफ़ी वक्त से लड़ाई कर रहे थे। विदर्भ बनेगा तो एक स्टेट हुड मिलेगा, तो शायद नागपुर उसकी कैपिटल बने और एक अलग लेवल पे जाए ये शहर और ये पूरा का पूरा रीजन विदर्भ का। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर ये वर्तमान विकास का जो मॉडल है यही अगर मॉडल है तो समझ जाना विदर्भ अगर बन जाए तो आज जो शहरों के अंदर का जो स्पेस पूंजीपतियों के हाथ में चले गया है तो पूरा विदर्भ जो है ना दो चार पूंजीपतियों के पॉकेट में चले जाएगा। मुद्दा ये नहीं है कि विदर्भ होना या नहीं होना, जिस दिन लोग चाहेंगे उस दिन मिलेगा, क्योंकि जी पीपुल्स मूवमेंट अल्टीमेटली चेंजेस द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जी विदर्भ की दिक्कत ऐसी है कि यहाँ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। फुकट में मिल जाए तो कोई भी रख लेगा, लेकिन मिलना है नहीं, क्योंकि जिन जिन को लगा था विदर्भ बनवा देंगे लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको समझ में आया कि विदर्भ बना के करेंगे क्या। जी तो इसके लिए विदर्भ प्रेजेंट मॉडल में अगर विदर्भ हो जाता है तो विकास का कोई मॉडल ही नहीं है, सिर्फ दोहन का मॉडल है। आज क्या हो रहा है तो इसके लिए मुद्दा जो है वो विदर्भ का नहीं है। सर, आप एक यूनियन लीडर हैं, आपने लोगों को कामगारों को बहुत करीब से देखा है, पर अगर काम ही नहीं रहेगा तो सर, जिस तरह से नागपुर के युवा जो है वो पूरा मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ तक कि दिल्ली नौकरी करने चले जा रहे हैं, नागपुर शहर में ब्रेन ड्रेन जिस किस्म से हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? ये सवाल तो आपने नितिन गडकरी से पूछना चाहिए था। यही तो एक नितिन गडकरी है ना जिसको मीडिया ने और राजनीति ने विकासाचा महामेरू, बड़ा मराठी का ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, विकासाचा महामेरू, और ये महामेरू को खड़ा किया गया और उस वक्त खड़ा किया गया जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। और ये सारा जो है ना मिहान को बेचने का काम उस जमाने में नितिन गडकरी ने तो किए थे। कभी आपने देखा था क्या कि बड़े बड़े मैदानों में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहा है, और क्या हो रहा था उस जमाने में 15 साल पहले कि मियान आने से 3 लाख नौकरी मिलेगी, तो कोई हिसाब तो नहीं कर रहा। विकासाचा मेहरू महामेरू से ये तो नहीं पूछ रहे कि 15 साल में 3 लाख नौकरी मिल रही थी तो 15 साल में कम से कम वो 10 लाख हुई क्या? तो जमीन खत्म हो गई, किसानों से जमीनें छीन ली गई और पलटा दी गई। आज वो किसान कौन पूछ रहा है उन हालात, उनके क्या हालात है, उनके बच्चों का क्या हालात है, किसका विकास हो गया, ये तो हम समझना चाहते हैं ना। तो ये जो है ना कि रोजगार,
बेरोजगारी, तो जिन लोगों ने इस रीजन के नौजवानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर सही में आप नौजवान हो तो आपके साथ खिलवाड़ किए जाने वाले लोगों को पहचान लो। तो इसके लिए बेरोजगारी का रोना और आंसू हमारे सामने पहला है कि कुछ नहीं बोला, हम तो लड़ रहे हैं बेरोजगारों के कामों के रोजगार को लेके। उन लोगों से सवाल करो जिन्होंने बेरोजगारी खत्म करने के सपने दिखाए थे नौजवानों को, और जिनको विकास आचार्य मेहरू महामेरु का एक खिताब दे दिया गया, और पूरे देश में विकास आचार्य महामेरु के रूप में जो घूम रहे हैं ना, उनको इस बात का उत्तर देने की जरूरत है। सर, एक बार ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक ऐसी बात जो आप उनसे कहना चाहते हैं जो नागपुर में या नागपुर शहर में रुक गए किसी मजबूरी की वजह से या नागपुर शहर के प्रति उनके प्रेम की वजह से, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं सर? मैं जानना चाहता हूँ कौन और रुक गया भाई, प्रेम से? कौन प्रेम से रुक गया है? किसी को अवकाश से ज़्यादा मिलना नहीं है, और लोग समझदार हैं कि कहाँ जाने से ज़्यादा मिलता है, मिलवाया जा सकता है। कोई रुकता उकता नहीं है, और कोई रुक गया होगा मोहब्बत के नाम पे, तो मैं उस फकीर को जानना चाहता हूँ कौन है वो फकीर जिसकी आप बात कर रहे हैं भाई। मोहब्बत के नाम पे रुक गए नागपुर में, वो फकीर को मैं जानना चाहता हूँ, जरा नाम आप ही बता दो, वरना इशारा काफी है। नहीं, मैं आप तो ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग नागपुर में रहते हैं, जो नागपुर को अपना शहर मानते हैं, जो आए लव नागपुर के सामने में सेल्फी खिंचाते हैं और उसको फेसबुक पे डाल के बहुत सारे लाइक्स जिनको मिलते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि वो जब किस तरह से प्यार करें अपने शहर से? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब पूरी शहर कंपनियों को दे दिए, तो फोटो खिंचाने का एक ऑप्शन रख दिए वहाँ पर, आई लव माई सिटी। जी जब जब शहर पूरी कंपनियों को बेच दिए, तो आम लोगों को एक झुंझुना थमा दिया गया है कि वहाँ जाओ और फोटो खिंचा लो, सेल्फी। हाँ, बस बस बस। क्या सर, वोट की ताकत ये सब चीजों को खत्म कर सकती है, ये प्राइवेटाइजेशन को, ये शहर को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेचने की पूरी कोशिश कर दी गई है, क्या वोट की ताकत ये सब चीजें चेंज कर सकती है या फिर से वही होगा जो होते आया है? बिना चेतना के वोट जो है ना, कोई मायने नहीं है। बिना चेतना के वोट का कोई मायने नहीं है। तो इसलिए वोट से ज़्यादा ताकतवर जो है ना, वो है चेतना। जिस दिन लोगों की समझ बन जाएगी ना, वो समझ का रूपांतरण वोट में होता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर अवेयरनेस, पॉलिटिकल सोशल अवेयरनेस मैनिफेस्टेशन यू फाइंड इन द फॉर्म ऑफ वोट। वोट वोट डजेंट डिटरमाइन योर मैनिफेस्टेशन, वोट नेवर डिटरमाइन है, मतलब चुनाव आपकी जागरूकता को निर्धारित नहीं करती है। जागरूकता समाज के अंदर निर्धारित होती है चुनाव और वोट से। तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि ये वोटों का अंकगणित बंद करके लोगों के साथ बातचीत करने का, लोगों के अंदर इन सारी बातों को लेके जाने का, और लोगों को लामबंद करने का। जिस दिन लामबंद हो जाएंगे लोग, वोट अलग ढंग से पड़ने लग जाएंगे। जम्मू सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि आज इस किस्म का एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो शायद अगर अखबारों ने लिखा होता तो आज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शहर की जो स्थिति और परिस्थिति होती वो कुछ अलग होती, लेकिन आपने हमें वापस से जगाने की कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम में से कुछ जागे होंगे और कुछ लोगों को बाकियों को जगाने की कोशिश में ज़रूर लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ऐसा लगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता से बात करने का, और ये एक चुनौती है, इस प्रकार कई विषयों पे बातचीत करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस प्रकार के प्रयास से शहर के जो लुटेरे हैं, उनका असली चेहरा सामने आएगा। धन्यवाद। जम्मू सुगंध सर से बात हुई आज और उन्होंने अपनी बात तो बड़ी स्पष्ट तौर से, बड़ी साफ तरीके से कही। अगर आप ये इंटरव्यू फिर से देखेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में आप खुद सवाल उठाना शुरू कर दें, लेकिन एक बात जो उन्होंने यू नो ऑन अ वेरी रेपिटेटिव नोट, मैं रेपिटेटिव नोट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है कई बार सुनने में कि कोई
इंसान ने अपनी बात को दोहराया, यू नो, बार बार वो दोहरा रहे थे, लेकिन शायद वो चाहते थे कि हमारी जो हमारा जो हमारी जो नज़र है उस केंद्र बिंदु पर जाए, और वहाँ जाने के बाद वो उस पर एक सोच, एक प्रतिक्रिया बनकर भी सामने आए। और वो शायद सवाल यही है कि विकास या डेवलपमेंट जो है वो हमको किसके कॉस्ट पे चाहिए, किसके कॉस्ट पे चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वक्त देखिए, घड़ी तो रुक नहीं रही है, वक्त तो चलता जा रहा है, लेकिन एक वक्त तो जरूर आएगा जब आने वाला जनरेशन हमसे ये सवाल पूछेगा कि आपकी उम्र थी, आप में ताकत थी, लेकिन आप ना सवाल उठा पाए और ना ही उस सवालों के ऊपर में या उस अन्याय के ऊपर में आप लड़ पाए। कई वर्षों से मैं एक बात अपने मन में लेकर चल रहा हूँ, जो शायद मैं आज यहाँ पर क्योंकि मेरा शो है, मैं कह सकता हूँ। और वो ये है कि हमें वाकई में जागने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि हम वाकई में बहुत सताए हुए हैं। मानिए इस बात को, हम सब कहीं ना कहीं सताए हुए हैं। हम सब रोज उठकर एक तपस्या में लग जाते हैं, और वो तपस्या है कि हम जीवन में कुछ इतनी मेहनत करें कि हम दो चीजें कमाएं, एक कुछ ऐसा, एक ऐसी आमदनी जो हमारे परिवार के अपब्रिंगिंग में काम आए, और दूसरी ऐसा एक एक ऐसी इज्जत जो हम अपने अंदर लेकर चलें, जिसको लेकर हमें उस बात को लेकर अभिमान हो। लेकिन दोनों ही जगह हम असफल होते जा रहे हैं, और दोनों दोनों की असफलता का कारण जो है वो शायद हमारी चीजों को देखने की जो एक हमारा पर्सपेक्टिव है वो, और दूसरा हमें हिम्मत नहीं है उन चीजों के ऊपर में लड़ने की, हम कमजोर हैं। हम क्यों ना ये मानकर चलें कि हम कमजोर हैं और सर झुकाकर चलें रोज, या फिर हम अपने आप को ये कह दें कि हम कमजोर नहीं है और इन अन्यायों के पीछे हम लड़ें। विद द लाइन ऑफ श्री जम्मू आनंद सर, मैं ये बात जरूर वापस से कहूंगा कि चेतना वाकई में जरूरी है, अवेयरनेस होना ज्यादा जरूरी है, एडुकेशन ज्यादा जरूरी है इस बात को लेकर कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और उसके आधार पर फिर आप वोट करें। जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के वोट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वाकई में इस इल्यूजन में हम और फंसते जाएं और अपना सत्यानाश अपने हाथों से कर दें। कल आपसे फिर होगी बात, इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और मैं अक्सर कहता हूं, मेरा विजिटिंग कार्ड भी यही कहता है, और विजिटिंग कार्ड में एक चेंज की जरूरत है जो मुझे जम्मू आनंद सर ने बताई, लेकिन वो स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन ये बात तो बड़ी सीधी है कि ना सरकार मेरी है, ना रॉब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद।